बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसन रसूल और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूं। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक वाकया सुनाएंगे और वो वाकया ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इब्तदाए वही और इस्लाम की तरफ दावत का आगाज़। तो बिला तखीर वीडियो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने आपको मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। वही की इब्तदा रोयाए सादिका से हुई। कुछ आप रात को ख्वाब में देखते बाइन ही वही जहूर में आता। 6 माह इसी हालत में गुजर गए। एक रोज़ आप हसब मामूल गारे हिरा में मराकब थे कि फ़रिश्ता जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपके पास आए। उन्होंने आपसे कहा, इकरा। आपने फरमाया, माँ आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आपका बयान है कि इस फरिश्ते ने मुझे पकड़कर बेंचा यहाँ तक कि वो मुझसे गायत वसा वो ताकत को पहुँचा। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, इकरा। मैंने कहा, माँ आना बिकारी। उसने मुझे पकड़कर दूसरी बार बेंचा यहाँ तक कि वो मुझसे गायत वसा ताकत को पहुँचा। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, इकरा। मैंने कहा, माँ आना बिकारी। फिर उसने मुझे पकड़कर तीसरी बार बेंचा यहाँ तक कि वो मुझसे गायत वसा और ताकत को पहुँचा। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, इकरा। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया आदमी को लहू की फुटकी से। पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है जिसने इलम सिखाया कलम से, सिखाया आदमी को जो कुछ ना जानता था। ये सबक पढ़कर आप घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से सारा किस्सा बयान किया। वो आपको अपने चचेरे भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं जो ईसाई और तौरात व अंजील का माहिर था। उसने ये माजरा सुनकर कहा कि ये वही नामूस फरिश्ता है जो हज़रत मूसा पर उतरा था। इसके बाद कुछ मुद्दत तक वही बंद रही ताकि आपका शौक व इंतज़ार ज़्यादा हो जाए। फिर ये आयतें नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सयाबिका फतहिर व रुज्ज़ फहजुर। ए लहाफ में लिपटे उठ खड़ा हो, बस डर सुना और अपने रब की बड़ाई करो और अपने कपड़े पाक रख और पलीदी को छोड़ दे। कुम फअंज़िर से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इंज़ार और दावत इलल्लाह फ़र्ज़ हो चुकी थी मगर ऐलान दावत का हुक्म ना आया था। इसलिए आपने पहले खुफिया तौर से उन लोगों को दावत इस्लाम दी जिन पर आपको एतमाद था और जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हालात से बखूबी वाकफ़ थे। इस दावत पर कई मर्दों जन ईमान लाए। जनाचे मर्दों में सबसे पहले जो ईमान लाए वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। लड़कों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली मुर्तदा मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और औरतों में हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज़ाद किए हुए ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारसा और ग़ुलामों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान लाते ही दावत इस्लाम शुरू कर दी। अशरा मुबशरा में से 5 यानी हज़रत उस्मान गनी, साद बिन अबी वक़ास, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ और ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आप ही की तरगीब से मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। इनके बाद हज़रत सईद बिन जैद, अबू ज़र गुफारी, अरकम बिन अबी अरकम, अब्दुल्ला बिन मसऊद, उस्मान बिन मज़ऊन, अबू अबैदा बिन अल जर्राह, अबैदा बिन हारस, हुसैन वालद अमरान बिन हुसैन, अमार बिन यासर, खबाब बिन अल अर्थ, खालद बिन सईद बिन अल आस और सहेब रूमी वगैरह हम साबकिन अव्वलीन के ज़ुमरा में शामिल हुए। और औरतों में फ़ातिमा बिनते ख़ताब, हमशीरा उमर फ़ारूक, असमा बिनते अबी बकर, असमा बिनते सलामा, तमीमा, असमा बिनते उमैस, खशामिया, फ़ातिमा बिनते अल मुजल्लल, करशिया, आमरिया, फलकीहा बिनते यसार,
رملہ بنت ابی عوف اور امینہ بنت خلف خزائیہ سابقات علی الاسلام میں سے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا پشیدہ طور پر ہوا۔ نماز بھی شعاب مکہ میں چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص اور کچھ اصحاب مکہ کے کسی شعب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے دیکھ کر اس فعل کو برا کہا، پس باہم لڑائی ہو گئی۔ حضرت سعد نے اونٹ کے تالو کی ہڈی ان نابکاروں میں سے ایک پر ماری اور سر توڑ ڈالا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب دار ارکم میں جو کوہ صفا کے نشیم میں تھا رہتے اور وہاں پر نماز پڑھتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، اس کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ بس مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لاؤں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ مجھ سے فقہی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر دی حسن چٹھا لکھ کر سرچ کر کے وہاں سے جا کر بھی فالو کر کے میسج کے ذریعے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔